दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसका नाम है मानचित्र के माध्यम से भूगोल सीखें। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, या फिर मैं स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात बोलूं, या फिर एसएससी हो गया, या फिर आपका रेलवे हो गया, जहां पे भी जीएस का सेक्शन आता है या फिर जीके का सेक्शन आता है, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का टॉपिक अगर बात बोलें तो भारत के बॉर्डर देश को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तक बॉर्डर्स तो हम समझते हैं, लेकिन एक विश्लेषण तब क्या कहता है उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ एक पूर्ण रूप से भूगोल को समर्पित है और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को समर्पित है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हिंदी मीडियम से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, एक विश्लेषण देखेंगे फैक्ट्स को हटाते हुए, आप ताकि आपके अंदर आपके एक सोच विकसित हो सके और आप इन फ्यूचर के अंदर, जो लोग भी अगर रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन फ्यूचर में सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर सकें, या फिर जो लोग एसएससी क्लियर कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं अगर कोई दुविधा है आपको, justupsexam@gmail.com पे। एक से दो या तीन दिन का वेट कीजिएगा, आपको मेल का रिप्लाई मिलेगा। बाकी हमारी वेबसाइट desireis.com है, इस पे जाके आप ओल्ड एनसीईआरटी के नोट्स आप बहुत अच्छे से बारीकी से देख सकते हैं और यहाँ से डेली एमसीक्यूज देख सकते हैं जो पूर्ण रूप से हिंदी में समर्पित हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया का मैप ऑफकोर्स ये है पूरा का पूरा। अगर बात बोलें तो ये तो हो गया ऑफिशियल मैप। अनऑफिशियल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, यानी कि अगर बात बोलें तो कह सकते हैं कि जैसे कि कुछ एरिया अगर बात बोलें तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कुछ हमारा चीन ने भी कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारा ऑफिशियल मैप यही है। यानी भारत आज भी जो है, यानी कि एक एनसीईआरटी बुक जो है भारत को यही मानती है और यही है भी। तो पहली बात तो हमें पहले कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर पता चल गया ये तो हो गया आपका पाकिस्तान, राइट, ये आपका हो गया पाकिस्तान, ये आपका जो ये वाला एरिया है ये आपका हो गया नेपाल, ये आपका हो गया भूटान, ये आपका हो गया म्यांमार, ये आपका हो गया बांग्लादेश, राइट, और यहीं पे एक और देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, अफगान लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर सील अगर नीचे देखें, वैसे तो हमारी अगर बात स्थल सीमा नहीं लगती लेकिन सुमन सीमा लगती जिसका नाम है श्रीलंका। ये कुछ, और ये आपका फाइनली चीन, राइट। तो ये कुछ हमारे अगर बात बोलें तो जिसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके साथ तो हमारी स्थल सीमा डायरेक्टली जो है लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी स्थल सीमा नहीं लगती, राइट। हमें तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि अगर बात करें तो बॉर्डर्स को कौन समझता है, मींस कौन संभालता है, तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम या रेलवे एग्जाम से पूछा जा सकता है, जिसका नाम है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय अगर बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट्स को देखता है और इसके अंदर सीमा प्रबंध जो एक विभाग होता है स्पेशली, ये स्पेशली उससे समर्पित है, जो ये पूरी पूरी सीमाएँ जो स्पेशली जो ये बनाता है अगर हम बात करें तो, राइट। अगर भारत की जो भूमि सीमा की बात करें, यानी कि भूमि सीमा की बात करें, जो स्थल सीमा है वो कुछ 15,106.7 किलोमीटर है एज पर द गवर्नमेंट वेबसाइट। ये जो डेटा निकाला गया है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला गया है और 17 राज्यों में और 92 जिलों के अंदर जो है फैली हुई, यानी कि कहीं ना कहीं 17 राज्य हमें देखने को मिलते हैं और हमारे 92 जिलों में जो स्पेशली हमें देखने को मिलती है। तो बात ये क्लियर हो गई। समुद्र सीमा की अगर बात बोलें तो जिसमें से आपका 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7.16 किलोमीटर की बात अगर हम बात करें, 7,516.6 किलोमीटर की अगर बात बोलें तो हमारी जो है ये तटीय सीमा में, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से हमें देखने को मिलती है, ये पूरी की पूरी जो हमारी तटीय सीमा में देखने को मिलती है, राइट। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और अंडमान येरा निकोबार येरा और आपका लक्षद्वीप की अगर सीमाओं को भी अगर हम थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें तो कुछ हमारी जो इन सीमाओं को भी अगर हम जोड़ना स्टार्ट करें, जो इनकी तटीय रेखा को जोड़ना स्टार्ट करें तो हमारी कुछ टोटल मिला के तो ये निकलती है, लेकिन हमारी जो ये वाली सीमा है हमारी कुछ 6,100 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो मुख्य भूमि हमें ये देखने को मिलती है। और तट्टे वालों को अगर इनकी सीमाओं को भी जोड़ देंगे, यानी कि इसके एरिए के भी अगर हम किलोमीटर के हिसाब से जोड़ दें ये वाले एरियाज़ को भी, तो फिर हमारी 7,516.6 किलोमीटर में देखने को मिलती है। जो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो मैंने आज आपको डेप्थ के अंदर बताया कि हमारी जो स्थल सीमा की बात करें, जो हमारी ये वाली सीमा, ये कुछ 6,100 किलोमीटर के हिसाब से हमें देखने को मिलती है, और जो स्पेशली 13 राज्यों के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक तो बात ही क्लियर हो गई। बांग्लादेश अगर हम बात करें, बांग्लादेश की ये वाला बांग्लादेश, ये हमारा दोस्तों बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पोर्शन पूरा बांग्लादेश है।
इसके साथ हमारी भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है, कुछ 4,000 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे छोटी जो थी अफगान के साथ है, जो कुछ यहाँ से थोड़ी सी एक सीमा अफगानिस्तान के साथ हमें निकलती है। तो हमें सबसे बड़ी सीमा पता चल गई और सबसे छोटी सीमा भी हमें जो है पता चल गई। आगे बढ़ता है थोड़ा सा, देखिए अगर थोड़ा सा मैपिंग को देखें तो ये कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ हमारे टॉप पे चलती है, चाइना के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो हमारी सेकंड पे है, पाकिस्तान के साथ हमारी थर्ड नंबर पे, नेपाल के साथ फोर्थ नंबर पे, म्यांमार के साथ फिफ्थ नंबर पे, और आपके भूटान के साथ सिक्स्थ, और अफगानिस्तान के साथ सेवन। और ये कुछ किलोमीटर्स हैं, राइट, ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश और चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ कुछ 3,000+ किलोमीटर के हिसाब से सीमा लगती है, काफ़ी बड़ी सीमा हमें देखने को मिलती है। बाकी ये कुछ स्टेट्स हैं, ये हम बाद में धीरे धीरे कवर करेंगे, अभी ये जस्ट ये घबराएगा नहीं, ये सिर्फ यही जो स्क्रीनशॉट इंग्लिश में है, बाकी सारे के सारे जो पीपीटी हमारी हिंदी में हमने बना रखी है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम भी जो है सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि पहले बांग्लादेश को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, नेपाल को देखेंगे, म्यांमार को देखेंगे, भूटान को देखेंगे और अफगानिस्तान को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा, यानी कि भारत बांग्लादेश सीमा, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि लेट सपोज अगर मान लीजिए ये आपका साउथ इंडिया है, यहाँ से होते हुए आपका ये आपका हो गया, ये कुछ आपका बांग्लादेश सीमा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला एरिया जो आपका आपका वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका असम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, और आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो गया। तो ये सब सीमा जो हमारी जो है अगर बात बोले तो जो स्पेशली लगती हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ भी कुछ चीज़ों को हमें जो है अगर बात बोले तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट को समझना पड़ेगा, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो देखिए ये था बांग्लादेश, राइट, और ये पूर्व में अगर बात बोले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। आपको पता होगा 1947 के बाद ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान दो मीन्स एक ही कंट्री थी, लेकिन 1971 के बाद यानी कि 1971 के बाद जो हमारे दिसंबर के अंदर फाइट हुई थी इंडिया पाकिस्तान वर्सेस के थ्रू, तो यहाँ से फिर ये बांग्लादेश का जो है निर्माण हुआ था, और भारत ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था बांग्लादेशियों को। तो कुछ सीमा हमारी अगर हम बात करें तो यही हमारी जो लगती है, तो इससे रिलेटेड एक सेकंड मेरे पास में कुछ, हाँ, तो भारत भी भारत बांग्लादेश सीमा है जिसमें 4,096 किलोमीटर की लंबी सीमा हमें देखने को मिलती है। और ये हमारे जो ये सर अगर बात बोले तो जो ये रेड क्लिफ सर थे, इन्होंने स्पेशली जो है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को जो अलग करने के लिए जो इनको जो है अगर बात बोले तो चेयरमैन बनाया गया था, जिनका नाम था रेड क्लिफ। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा को भी जो है रेड क्लिफ के द्वारा ही जो निर्धारित किया गया था। आज के समय में अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें, एक लेटेस्ट ट्रेंड की बात बोलें तो देखिए, एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मवेशी तस्करी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अगर दो टुक में बोलूँ तो यस, गाय की ज़्यादा काफ़ी तस्करी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है बीफ जो है काफ़ी मीन्स एक नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, तो जिस वजह से फिर गायें जो स्पेशली तस्करी बॉर्डर के थ्रू जो है तस्करी करी जाती है। क्योंकि अभी भी आज के समय भारत प्रयास तो कर रहा है अगर फैंस बनाने के लिए, यानी कि फेंसिंग करने के लिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी फैंस अभी लगना बाकी है, तो वहीं से जो तस्करी करी जाती है। इस पर काफ़ी बतेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिएगा कि किस तरह से कितने स्मार्ट पीपल्स की 4 से 5 आदमी मिलके एक इतना बड़ा डंडा सा या फिर एक बोल सकते हैं कि एक चरपाई टाइप का बिछा के ये बहुत जल्दी जो बॉर्डर के इस पार जो है गायों को भेज देते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है। दूसरी बात, छोटी मोटी तस्करीज यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती हैं, यानी कि पान गुटखा खैनी ये तो सब चीज़ें हैं, दारू इवन दैट, और इंडिया के सिक्के, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, आपको पता है कि 1 रुपये का सिक्का आज के समय क्यों छोटा हो गया है, किसका वेट क्यों कम कर रहा है, इसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि देखिए इंडिया का 1 रुपया बांग्लादेश के अंदर कुछ बात बोलें तो 1 रुपये 40 पैसे 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। तो अब क्या हुआ था कि देखिए इंडिया के सिक्के का वेट, ध्यान से समझिएगा, इंडिया के सिक्के का जो एक से जो पुराना सिक्का था जिसका वेट कुछ 4 ग्राम के आसपास था, तो उस 4 ग्राम से सोचिए कितने ब्लेड बन सकते हैं, ब्लेड की जो जिसे आप शेविंग ब्लेड करते हैं स्पेशली मैंस लोग, तो सोचिए कितने ब्लेड्स उसमें से निकल सकते हैं। तो जिस वजह से फिर ये रिपोर्ट निकली कि हमारे सिक्के जो हैं बांग्लादेश में तस्कर किए जा रहे हैं 1 रुपये वाले सिक्के, तो जिस वजह से फिर भारत सरकार ने स्टेप लिया और फिर बाद में जो सिक्कों को जो छोटा करने का स्टार्ट किया, ताकि क्योंकि आज के समय देखिए तो सिक्कों का वेट बहुत कम है, और अगर इसको तस्कर करके अगर ये लोग पिघला भी देते हैं तो उसकी कॉस्ट तो एटलीस्ट 1.5 रुपये तो है ही, तो उससे अगर ब्लेड बनाएंगे तो उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग साथ में अगर बात बोलें तो महिलाओं को भी इधर से उधर किया जाता है, बॉर्डर के थ्रू इधर से उधर ले जाया जाता है, तो यहाँ पर ये सब छोटे मोटे छुटपुट तरह की तस्करी हमें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये एक एनालिटिकल पॉइंट हमें जो स्पेशली देखने को मिलता है। संबंध हमारे अगर बात बोलें तो भारत और बांग्लादेश के ठीक ठाक है आज के समय अगर बोल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ अभी भी कट्टरवाद हैं, क्योंकि
मुस्लिम कंट्री है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर दिखेगा मुल्ला मौलवियों का, तो जिस वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। भारत देश के अंदर अगर हिंदुओं की बात भी बोलें तो वहाँ पे हिंदू जो है काफ़ी कम मात्रा में हैं। एक समय था जब डिवाइड हुआ था थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन अब ट्रेंड अगर देखें तो वहाँ पे भी डिक्लाइन हो रहे हैं हिंदूज़। तो यहाँ पे दोस्तों मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करने आया, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है, जस्ट जो एक एंटिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आज के समय जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब मैं चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इन्फ्लेशन का दौर बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस देश की। अगर बात बोलें तो छोटे से देश के अंदर कुछ 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहती है, तो बाकी बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक तरह से बोलें तो गरीब देश के तौर पर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक करप्ट गवर्नमेंट के तौर पर हम चीज़ें जो है समझ सकते हैं। यही था इसके अंदर जो मैंने आपको अभी तक जो है बताया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैपिंग की बात करें तो ध्यान से देखें, अगर थोड़ा सा मैं जूम करूँ इस चीज़ को तो देखिए कुछ यहाँ पे ये आपका बांग्लादेश है, राइट। तो ये बांग्लादेश है, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के अंदर जो एक सुंदरबन ध्यान रखिएगा, जो आपका सुंदरबन है वो भारत के अंदर कुछ 40% हिस्सा रखता है, और लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ 7% जो है रिश्ता जो एरिया जो स्पेशली बात बोले तो वो रखता है। सुंदरबन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम के जो है पौधे पाए मीन्स पेड़ पाए जाते हैं, साथ में बंगाल टाइगर्स सुंदरबन में ही जो है देखने को मिलते हैं। तो जिस वजह से और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बांग्लादेश की बात है तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ से गंगा भी आके मिलती है, राइट। इसको अगर 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 बात बोलें तो इसको ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है, गंगा को पद्मा बोला जाता है, और यहाँ से को नदी आके जो मेघना आके जो है मिलती है, फिर बाद में ये डेल्टा बना के ये पूरा का पूरा कर देते। यही था पूरा छोटा सा ओवरव्यू बांग्लादेश से रिलेटेड। चीन की बात करते, चीन के साथ संबंध हमारे बोलें तो नॉट वॉर्स, यानी कि कुछ इतने भी ज़्यादा ख़राब नहीं है और इतने ज़्यादा सही भी नहीं है, क्योंकि चीन की बात बोलें तो ये एक्सपोर्टर, एक तरह से बोलें तो ये एक व्यापारी है, अगर मैं दो टुक में बोलूँ हिंदी के अंदर, ये एक ऐसा व्यापारी है जो सबको लूटना चाहता है, दैट्स इट। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं चीन को। देखिए दोस्तों चीन की बात करें तो सबसे पहले इसके कुछ बॉर्डर्स एरियाज को समझते हैं। देखिए चीन के साथ अगर सीमा देखें तो हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी लंबी सीमा कुछ यहाँ से अगर बात बोलें यहाँ से उठाएं, यहाँ से हमारे होते हुए कुछ हमारे जो है बॉर्डर्स एरिया जो हमारे ये कुछ यहाँ पे भी लगता है, फिर बाद में कुछ हमारे यहाँ पे भी ये बॉर्डर्स एरिया हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी सीमा है जिसके अंदर 5 राज्य निकलते हैं, जिसके अंदर आपका JNK हो गया ये वाला, राइट, आपका हिमाचल प्रदेश ये वाला एरिया हो गया, और आपका उत्तराखंड आप वाले तो ये हो गया, सिक्किम आपका ये हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश आपका बेसिकली हमें जो है ये हो गया। तो आप देखें तो ध्यान से देखें तो 5 स्टेट हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका AP हो गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो 5 देशों के साथ हमारी जो इसकी सीमा लगती है, और काफ़ी अभी हाल ही के अंदर डोकलाम इशू भी हमें देखने को मिला, वो हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, पहले इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बेसिक्स ओवरव्यू को हम समझने की जो कोशिश करते हैं। देखिए चीन की अगर बात करें तो देखिए ये तो रहा इंडिया का ऑफिशियल मैप कि इंडिया ये है, लेकिन अनऑफिशियल की बात बोलें तो कुछ हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है, हमारे कश्मीर को, हमारे जम्मू कश्मीर को 2 कंट्रियों ने हड़प रखा है, जिसमें एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, ये कुछ यहाँ से पूरा पूरा एरिया दे रखा है, साथ में ये पाकिस्तान की ट्रीटी हुई थी 1963 के अंदर, और पाकिस्तान ने इलीगली जो है चाइना को ये एरिया दे दिया गया था, ये वाला एरिया। इसी की जैसे यहाँ पे सियाचिन है, और ये अक्साई चीन जो है ये भी जो है अगर बात बोलें तो चाइना ने जो है अभी भी जो चीन ने जो है कब्जा कर रखा है अक्साई चीन के ऊपर भी। उनके व्यूज़ ये आते हैं कि यहाँ पे बुद्धनिज़्म है तो जिस वजह से ये मीन्स इंडिया का पार्ट नहीं है, तो क्या ये फालतू के टोक दे दे, क्योंकि इंडिया के अंदर तो दुनिया भर की डाइवर्सिटी है, आप सभी को पता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि चीन जो क्लेम करता है अक्साई चीन का भी, साथ में ये एरिया तो है ही है ही, साथ में कुछ अंदर के एरिया को भी अगर ये बोलता है कि हमारा जो अगर बात बोलें जैसे कि अगर बात बोलें उत्तर पूर्व जो लद्दाख एरिया है, ये वाला लद्दाख एरिया ये भी अपना कहीं ना कहीं अगर इनके डॉक्यूमेंट्स को देखें तो वहाँ पर ये दावा करता है कि भाई आपका चंगमो घाटी हो गया, पांगोम हो गया, ये सब जो एरिया जो अक्साई चीन के जो स्पेशली जो ये जो एरिया जो स्पेशली ये जो चीन का जो है स्पेशली बात करें तो दावा करते हैं। इसके साथ कुछ एक पट्टी के तौर पर लद्दाख की ये पूरा पूरा एरिया भी बोलते हैं कि भाई ये भी जो है चीन का है, कुछ इस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें जो है स्पेशली जो है बात करें तो ये करते हैं। बाकी गिलगिट जो मैंने आपको दिखाया कि ये एरिया जो स्पेशली गिलगिट के तौर पर जाना जाता है, तो ये इस एरिया पर भी जो है चीन का कब्जा हमें देखने को मिलता है, जो 1963 के अंदर जो है पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच की जो एक सीमा है, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखे तो ये कुछ पासिस हैं यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आपका होता है दीफू पास, राइट। तो अगर बात करें भारत और चीन स्पेशली जो सीमा है जो तिब्बत और म्यांमार, यानी कि देखिए हम तो इसको तिब्बत ही रिकोगनाइज करते हैं आज भी,
और जो स्पेसिफिक अगर बात बोले तो देखिए यहाँ पे आपका म्यांमार भी आ गया, ये आपका एरिया म्यांमार हो गया, ये आपका चीन या फिर आप बोल सकते हो तिब्बत बोल सकते हो, और ये आपका भारत हो गया। तो एक ट्रांजेक्शन्स बनाता है, यानी कि तीन तरफ की सीमा बनाता है इंटरनेशनल, जिसको हम दीफू पास के नाम से जानते हैं। तो ये जो एरिया आपका ये वाला, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसको हम दीफू पास के नाम से जानते हैं, जिसको हम ताला पास भी कहते हैं। ताला पास जो स्पेशली यहाँ पे देखने को, बाकी कुछ और पासेस हैं, इसको हम पासेस जब हम पास पढ़ाएंगे आपको तो उसके अंदर एक एक पास को जो बड़ी ही बारीकी से एक स्टेप बाय स्टेप को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको इसके अलावा कोई और हमारी वीडियो ना देखनी पड़े। तो यही था इसके अंदर, बाकी इसके अंदर नेक्स्ट देखें तो कुछ और इशूज़ को अगर थोड़ा हाईलाइट करें तो वही मैंने आपको जो बताया, वही अक्साई चीन का एरिया, ये वाला एरिया पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज चाइना स्पेशली दिखाता है। साथ में आपका ये वाली वैली होगी आपकी, आपका गिलगिट के पास हो गया, साथ में सियाचिन, और साइड बाय साइड आपका जो तवांग एरिया भी स्पेशली चीन बोलता है कि भाई ये तो हमारा चीन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्योंकि तवांग एक्चुअली क्या है कि इंडिया का पार्ट है। और ये भी बोलता है कि चीन की भाई हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जब थे तो उन्होंने तिब्बत के साथ समझौता किया था, चीन उसके साथ इंटरफेयर नहीं करा था, तो जिस वजह से मैकमोहन लाइन को डिनाई करता है, लेकिन भारत आज भी जो है मैकमोहन लाइन को मानता है, तो जिस वजह से फिर आज के समय काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स को समझते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान बॉर्डर्स की बात बोलें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमें सीमा देखने को मिलती है, यानी कि ये आपका हो गया गुजरात, राइट, ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका हो गया राजस्थान, और ये बोले तो आपका हो गया ये वाला एरिया हो गया आपका पंजाब, ये वाला, और ये आपका हो गया जे एंड के, यानी कि हमारी जो है चार स्टेट्स के साथ जो है पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, और मैक्सिमम सीमा जो है स्थल सीमा ही लगती है, लेकिन यहाँ पे सर क्रीक भी है, उसको हम बाद में देखेंगे। देखिए ऑफिशियल ऑक्यूपाइड देखें तो इन्होंने कुछ आधा से कुछ कह सकते हैं 33% के आसपास एक अप्रोक्सीमेटली रेशो जो इन्होंने हथियार रखा है हमारे देश को। और बात बोले तो ये भी जो एक रेखा जो बनाई गई थी, जो जो स्पेशली अगर बात बोले तो जो ये पाकिस्तान की जो रेखा बनाई गई थी वो रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई थी 1947 के अंदर, और सर जो सीरियल रेड क्लिफ थे उसके जो स्पेशली अध्यक्ष थे। हमारे देश में विवाद JNK को लेके है, साथ में सर क्रिक जो स्पेशली बात बोले तो प्रमुख विवाद हमें देखने को मिलता है। सर क्रिक दोस्तों देखिए बेसिकली सर क्रिक यहाँ पे एक दलदली टाइप का एक एरिया है, माशी टाइप का एरिया है एक थोड़ा सा, जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि ये एरिया पाकिस्तान का है, लेकिन भारत बोलता नहीं ये एरिया भारत का है। तो यहाँ पर इसको भी लेके जो है थोड़ा सा बॉर्डर लाइन को लेके जो है आज भी जो सरकारी विवाद हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे BSF सेना और पाकिस्तान की रेंजर्स के पीछे हमेशा द्वंद्व रहता है। हमारी BSF सेना बहुत स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू रेंजर्स के मुकाबले, और अभी तक चार युद्ध हम जो है लड़ चुके हैं। 1948 के अंदर भी हमने छोटा सा युद्ध लड़ा, फिर हमने 1965 के अंदर भी लड़ा, फिर 1971 के अंदर लड़ा, और 1999 के अंदर लड़ा, जिसको हम कारगिल कहते हैं। तो चारों चारों युद्धों में पाकिस्तान को करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब जो हम हमारे देश की सेना ने दिया है। तो थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं, हल्का सा देखिए सरक्रिक विवाद को थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप के अंदर, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा ऐसे। देखिए सरक्रिक विवाद, इसको मैं यहाँ इस एरिया को मैं यहाँ पे जूम करके यहाँ लेके आया हूँ, राइट। ये जो देखिए जो ये पाकिस्तान बोलता है कि ये इतना एरिया, यानी कि ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान का है यहाँ से, राइट, लेकिन भारत का ऑटोमेटिक जो ये लाइन है ये इतनी है, तो इसको लेके जो विवाद बना हुआ है ये एरिया, अगर बात करें सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात बोले तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया, पर्यावरण हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ हैं। तो जिस वजह से अगर आप इसको थोड़ा और जूम पे देखें तो ये वाला एरिया, कुछ और देखें तो ये वाला एरिया स्पेशली हमें ध्यान से देखने पड़ते। मीन्स पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये जो सरकारी विवाद, देखो इसको मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये बोलता है कि पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये इतना एरिया हमारा जो है स्पेशली, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो इसको भी लेके जो है विवाद का कारण हमें देखने को मिलता है। नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ एक काफ़ी अच्छे संबंध है हमारे, क्योंकि हमारी ट्रीटी भी हुई थी फ्रेंडशिप ट्रीटी और 1950 के आसपास। तो एक तो पहली बात, यहाँ पे एक यही एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हमारा ओपन बॉर्डर है, यानी कि जस्ट आपके पास एक नेशनल आईडी होनी चाहिए, आपके पास इलेक्शन आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आप जो है नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं, कितने दिन आप रह सकते हैं, आपको आपको कोई रोक टोक करने वाला, यानी कि यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली बात तो ये। बाकी नेपाल जो है पाँच राज्यों से भी घिरा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तराखंड आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो देखिए अगर बात बोले उत्तराखंड आपका ये रहा, आपका उत्तर प्रदेश तो ये पूरा पूरा यहाँ पे लग गया, फिर बिहार आपका ये लग गया, फिर वेस्ट बंगाल आपका यहाँ से होते हुए ये लग गया वेस्ट बंगाल, और लास्ट में ये लग गया आपका सिक्किम, यानी कि ये हो गया सिक्किम, ये आपका हो गया, अगर ये बोलें तो ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपका हो गया बिहार, ये आपका हो गया यूपी, और ये आपका हो गया उत्तराखंड, राइट।
और यहाँ पे भी अगर बात बोलें तो वस्तुओं की और लोगों की अप्रतिबंधित सीमा प्रवेश है। लेकिन एक एनालिटिकल चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे भी अगेन वही तस्करी का तौर पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भारत से जो है पेट्रोल, यहाँ पे बेसिक बात बोले तो पेट्रोल के तौर पे हमें तस्करी ज़्यादा देखने को मिलती है। पेट्रोल हो गया या भारतीय जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, वो हमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि पाकिस्तान सॉरी नेपाल के अंदर जो कस्टम ड्यूटी वो कुछ 100% के आसपास है, यानी कि भारत से अगर आप कोई भी चीज़ लेके जाते हैं पाकिस्तान सॉरी नेपाल के अंदर, तो वो दुगने रेट के आसपास जो हो जाते, काफ़ी महंगी चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती। तो जिस वजह से फिर कस्टम बचाने के लिए जो लोग फिर जो है स्पेशली जो तस्करी करते हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। नेपाल की लड़कियाँ इंडिया के अंदर आके मीन्स बोल सकते हैं मजबूरी में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आके फंस जाती हैं, और कुछ गलत काम में शरीफ हो जाती हैं, लोग उनको ढकेल देते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो लड़कियाँ गरीब होती हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अगर बात करें तो ये कुछ हमारे कुछ कोर एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। और हाल ही में नेपाल ने चाइना का द्वार भी खोला है, तो जिस वजह से अब हमारी सामरिक स्थिति पर भी काफ़ी बड़ा एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि अब जो है अगर नेपाल बात बात करें तो चाइना कार्ड भी खेल रहा है। पहले ये था कि पेट्रोल से रिलेटेड हमारा पेट्रोल भारत के अंदर ही जाता था, मीन्स हमारा जो पेट्रोल नेपाल के अंदर जाता था, लेकिन अब चाइना के द्वार के आने से भी वहाँ से भी इसको ऑप्शन मिला है। तो हमारे एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत की पकड़ नेपाल पे अब बोल सकते हैं थोड़ी सी मुश्किल के तौर पर थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है। बट फिर भी एक हिंदू राष्ट्र है, और भारत भी भारत के अंदर भी 79% जो अभी भी हिंदू हैं, तो इस वजह से बोल सकते हैं कि कुछ भाईचारे के तौर पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर बात बोलें तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो भारत म्यांमार की बात बात अगर करें तो देखिए म्यांमार से रिलेटेड अगर अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो देखिए भारत म्यांमार की जो सीमा बेसिकली अगर देखें तो ये आपकी जो सीमा में जो है ये लगती है, राइट। ये जो स्पेशली अगर अगर बोलें तो ये वाली सॉरी ये आपका हो गया, ये यहाँ पर वही मैं बोलूँ कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ये आपका इतना एरिया, तो ये आपका म्यांमार सीमा हमें देखने को मिलता है। और अगर सीमा की बात बोलें तो ब्रह्मपुत्र नदी और अगर बोलें इरावदी जो नदी है, ये यहाँ पे जो है स्पेशली इधर, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक वाटर शेड बनाती हैं, एक जलमग्न टाइप की जो चीज़ें यहाँ पे जो है बनाती हैं। मोटे तौर पर जंगली क्षेत्र हमें देखने को मिलता है म्यांमार। और भारतीय पक्ष में बात बोलें तो मिजो हिल्स, मणिपुर और नागालैंड, म्यांमार, ये सब चीनी हिल्स और काची हिल्स जो है स्पेशली यहाँ देखने को मिलती हैं। म्यांमार के लैंडेड एरिया को देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणिपुर और मिजोरम हमें देखने को मिलता है। और यही सब चीज़ें बेसिकली म्यांमार से रिलेटेड हैं। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कंट्री है बेसिकली ये। और भी हाल ही में यहाँ पे देखें तो रोहिंगा का इशू बहुत बड़ा हमें देखने को मिला, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये लोग कि रोहिंगा लोग हैं वो इनके देश में रहें। तो जिस वजह से आर्मी ने काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं, उनको भगाया गया है। और आज के समय जो है ये लोग बांग्लादेश में जो आपका जो कोस्ट बाजार है वहाँ के आसपास जो है वहाँ पे टेंट बना के रह रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बाद में तो वो ऑलरेडी वॉच कर रहा है। भूटान के साथ हमारी एक शांतिपूर्ण सीमा है, और हमारी यही एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा जो सरप्लस के तौर पर जो ट्रेड हमारा वो में सरप्लस देखने को मिलता है। तो भूटान स्पेशली बात बोले तो ये हमारा भूटान है, राइट। लेकिन हाल ही में अभी डोकलाम इशू भी हमें देखने को मिला। डोकलाम जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर काफ़ी सारी हमें दिक्कतें देखने को मिली। फिर क्योंकि भारत की डोकलाम के साथ एक भारत की भूटान के साथ एक ट्रीटी है कि इसके एरिया को अगर कोई कब्जा करता है तो भारत उसका जो है प्रतिकार करेगा। तो जिस वजह से बोल सकते हैं कि भूटान भी काफ़ी एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, और यही एक ऐसा देश है जिसने ह्यूमन इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, और साथ में पर्यावरण को लेकर भी बहुत ज़्यादा। इनके तो पर्यावरण जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बताइए स्पेशली। तो ये लोग इतने पर्यावरण को लेके जो इतने ज़्यादा ये वाकिफ़ हैं। इसके बाद अगर बात बोले तो श्रीलंका को लेके हमारा कुछ छोटे मोटे विवाद हैं अगर बात बोलें तो। देखिए पहली बात तो ये कि एक तो पाक स्टेट से स्पेशली जो ये चीज़ है आपकी, ये चीज़ पाक स्टेट से जो है डिवाइड होती है, इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। धनुषकोडी, देखिए धनुषकोडी हमारे देश का जो है सबसे लास्ट पॉइंट अगर बात बोलें, वैसे तो इंदिरा कॉल है हमारे देश का लास्ट पॉइंट, वो यहाँ पे है, वो इंदिरा पॉइंट नॉट कॉल, इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे है। लेकिन अगर बात बोलें तो तमिलनाडु की एक बात, तो धनुषकोडी के बाद श्रीलंका कुछ 32 किलोमीटर रह जाता है, जहाँ पे अगर बात बोलें तो आपका ताली मनार जो ये है, तो ये सिर्फ जो है 32 किलोमीटर हमें देखने को, इतनी दूर पे हमें जो है रह जाता है। आपस में अगर बात ट्रेंड एनालिसिस देखें तो यही है कि मछुआरे जो होते हैं कभी श्रीलंकन मछुआरे इंडिया में आ जाते हैं, कभी इंडियन मछुआरे श्रीलंका में, क्यों बॉर्डर तो है नहीं, अब सी पे तो बॉर्डर होगा नहीं, कोई झंडे झुंडे लगा था पता चल जाए। तो जिस वजह से ये चीज़ें हमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ श्रीलंका के अंदर कुछ इस एरिया के अंदर तमिल ज़्यादा रहते हैं, तो तमिल का विवाद भी श्रीलंका के साथ है।
और यही सब छुटपुट हमें चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे एक एडम ब्रिज हमें देखने को मिलता है जो धनुषकोटी और साथ में आपका ताली मनार जो है इसको जो है जोड़ता है। तो दोस्तों यही थी छोटी सी वीडियो, ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू, एक शॉर्टकट में, एक संक्षिप्त में आपको IR के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए भूगोल के द्वारा। तो यही था दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो के रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग ओवर वीडियो।